नमस्कार। ग्राम पंचायत की नेता होने के नाते अब आप एक खास महिला बन गए हैं और आपके पास अपनी पंचायत में नेतृत्व करने का एक खास अधिकार है। ये अधिकार आपको 73वें संविधान संशोधन के तहत मिला है। अच्छा नेता कैसे बने? नेतृत्व एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। सबसे जरूरी है कि आप अपने आप को नेता के रूप में देखें कि मुझे मेरी जनता ने चुना है, मेरे पास एक निर्णायक आवाज है, मैं लोगों की जरूरतों को पहचान सकती हूँ और उनका हल निकाल सकती हूँ। ग्राम पंचायत के विकास के लिए अपनी दूरदृष्टि बनाएं। सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगार मिले, वंचित वर्ग के प्रति शोषण खत्म हो, वंचितों को आगे रखकर नेतृत्व करें। विकास का फायदा हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए। लोगों की मुश्किलें ध्यान से सुने, संवाद करें, ये आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। निर्णय लागू करने के लिए रणनीति और कार्य योजना बनाएं। आने वाली मुश्किलों का पता लगाएं ताकि आप उनका सामना कर सकें। याद रखें, ग्राम पंचायत में आप अकेली नहीं है। अपने आसपास के सहयोगी ढांचे को पहचाने, जैसे ग्राम पंचायत के सदस्य, स्थानीय प्रशासन, ग्राम सभा, वार्ड सभा, विकास की स्थायी समितियां और महिला समूह, इन सब के साथ मिलकर काम करें। आइए खाद्यान्न समस्या में नेतृत्व करने का एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले आप क्या चाहते हैं? सबको भरपेट खाना मिले। समस्या क्या है? राशन कोटा बराबर नहीं बच रहा, पीडीएस दुकान में भ्रष्टाचार, मनरेगा पर काम नहीं मिल रहा, किसान खेती नहीं कर पा रहा। समाधान क्या है? हर योग्य नागरिक को खाद्यान्न सामान्य रूप से पहुंचे। देखें कि पीडीएस दुकान का डीलर भ्रष्ट नहीं है। देखें कि स्कूल में मिड डे मील ढंग से चल रहा है। मनरेगा से लोगों को काम दिलाएं। देखें कि खाद, बीज, कीटनाशक का प्रबंध है। कब तक करना है? जब तक वंचित लोगों को सामान्य रूप से राशन मिलना शुरू नहीं हो जाता। सफलता को कैसे नापें? देखें कि क्या हर परिवार राशन खरीद पा रहा है? क्या बच्चों, लड़कियों, महिलाओं में कुपोषण कम हो रहा है? क्या आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र का लाभ लोगों को मिल रहा है? असर, खाद्यान्न सुरक्षा बढ़ेगी, कुपोषण और बीमारियां कम होंगी, रोजगार बढ़ने से आय और भोजन तक पहुंच बनेगी। कहने का मतलब है, समानता और न्याय की बात को हर कार्य और मुद्दे के साथ जोड़ कर देखें। ये समझना भी जरूरी है कि एक पुरुष प्रधान समाज के चलते महिला नेता को अन्यों की तुलना में ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अपने आप को तैयार रखें। इन बातों का ध्यान रखने से आप अपनी पंचायत में एक खास नेता के रूप में उभर सकती हैं, अपनी छाप छोड़ सकती हैं।